नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवकों की मांगों को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं और मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि 14 नवंबर से इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल होने वाली है दिल्ली में, और यूनियन ने कई बार इसके बारे में बताया भी है, सभी को ये पता होगा। और आज भी इस भूख हड़ताल को सफल बनाने के लिए और इसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए यूनियन द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है, और साथ ही साथ चार्टर ऑफ डिमांड्स की लिस्ट जारी हुई है। जितने भी 16 मांगे हैं GDS के, उसकी लिस्ट आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन और नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक द्वारा ये सर्कुलर इशू किया गया है और ये आज ही इशू किया गया है, और इसमें रिक्वेस्ट किया गया है कि सूटेबल अरेंजमेंट किया जाए जो 14 नवंबर से इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक होने वाली है उसको सक्सेस बनाने के लिए और प्रॉपर अरेंज करने के लिए, जो भी अरेंजमेंट उसके लिए करनी है उसको अरेंजमेंट के लिए यहाँ पर सर्कुलर निकाला गया है। और चार्टर ऑफ डिमांड्स भी यहाँ है, वैसे हम बहुत बार देख चुके हैं चार्टर ऑफ, फिर एक बार देख लेते हैं सीरियल से एक एक करके। नंबर फर्स्ट में है सिविल सर्वेंट का दर्जा जो GDS को दिया जाना चाहिए उसके बारे में। सेकंड में है जो डाक मित्रा और कॉमन सर्विस सेंटर जो प्राइवेट से लगाए गए हैं उसको भी ख़त्म किया जाना चाहिए। थर्ड में जो कमलेश चंद्र कमेटी का रिकमेंडेशन था उसको पूरी तरह से लागू करना है, और जो 12, 24, 36 का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलना है GDS को उसके लिए भी यहाँ पर मांग की गई है। फोर्थ पॉइंट में है एनहांसमेंट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस अप टू ₹5 लाख। जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है उसको 5 लाख तक बढ़ाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और फिफ्थ में है ग्रेचुइटी को 5 लाख करने के लिए कहा गया है। सिक्स्थ पॉइंट में जो लीव मिलता है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 180 दिन तक, और उसका लास्ट में इनकैशमेंट भी मिलना चाहिए, ये भी यहाँ पर डिमांड की गई है। और सेवन्थ पॉइंट में मेडिकल फैसिलिटीज़ GDS को मिलना चाहिए, ये है। एट्थ में है GDS कमेटी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए, और नाइन्थ में जो भी सब्सटीट्यूट काम करते हैं GDS के जगह पर, अगर कोई GDS लीव पर जाता है तो उस GDS के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सब्सटीट्यूट को अलाउ किया जाना चाहिए, ये यहाँ पर नाइन्थ पॉइंट में बोला गया है। और टेंथ में है GDS कंट्रीब्यूशन जो होता है सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम में 3%, उसको 10% करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। इंसेंटिव स्कीम है जैसे PLI, RPLI, IPPB के काम करने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है GDS को, उस इंसेंटिव को ख़त्म करने के लिए बोला गया है ताकि वो वर्कलोड में इंक्लूड हो सके और वर्कलोड 4 या 5 घंटे से बढ़कर 8 घंटे हो सके। और ग्रांट रेंट एंड कंपोजिट अलाउंस टू ABPM एंड डाक सेवक्स ₹2,400, ₹1,600 एंड ₹800 फॉर XYZ क्लास सिटीज़। जो भी सिटीज़ हैं XYZ, तो उस सिटीज़ के हिसाब से कंपोजिट अलाउंस और रेंट मिलना चाहिए GDS को। जैसे अगर X सिटीज़ में अगर कोई है तो उसको 2400 मिलना चाहिए, Y सिटी में 1600 और Z सिटी में 800 मिलना चाहिए, इस हिसाब से रेंट मिलना चाहिए सिटीज़ के हिसाब से। और 13 पॉइंट में है जो भेदभाव होता है एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर, जैसे GDS और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ में भेदभाव किया जाता है, इसको लेकर डिपार्टमेंटल स्टाफ को टाइमली इंक्रीमेंट मिलता है और ग्रामीण डाक सेवक्स को टाइमली नहीं मिल पाता है, तो इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए यहाँ पर डिमांड की गई है। और 14 पॉइंट में देखते हैं कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस सभी GDS को मिलना चाहिए, और जब से बाकी है तब से लेकर अभी तक जो भी एरियर उनका बनता है वो भी दिया जाना चाहिए। 15 पॉइंट में है कि RMS में रेलवे मेल सर्विस में जितने भी कैजुअल लेबर हैं या फिर टेम्पोरेरी स्केल पे जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनका रिक्रूटमेंट एज ए ग्रामीण डाक सेवक होना चाहिए। और लास्ट में है जो RICT डिवाइस है उसका नेटवर्क नहीं रहता है, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम होती है काम करने में, तो RICT डिवाइस को हटाने के लिए बोला गया है, और उसके जगह पर लैपटॉप प्रिंटर और नेटवर्क कनेक्शन के लिए ब्रॉडबैंड नेटवर्क लगाने की बात यहाँ पर की गई है सारे ब्रांच ऑफिसेज में। तो यही 16 डिमांड्स है, और आने वाले 14 तारीख से भूख हड़ताल है, देखते हैं क्या होता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।